Everyone to this wonderful celebration today. Honorable management persons, Chairperson Mr. Surendra Kumar Khurana, Managing Director Mr. Raj Kumar Khurana, the School Secretary Mr. Ashwini Kumar Khurana, and the School Administrator Mr. Akash Khurana. It is because of their untiring efforts the school has achieved these heights of success. Respectable Incharge Ma'am, who has always been a source of inspiration, guidance, and whose persistent efforts are helping the students grow and bloom. I would also like to welcome all teachers, parents, and all my dear students. I feel honored to announce this moment of pride where we are here together to rejoice the 75th Independence Day along with the 33rd Foundation Day of the school. The school has seen 33 glorious years of enormous growth and have excelled to achieve exceptional milestones in their careers. धन्यवाद शोभा मैम. सर्वप्रथम तो मैं आप सबको शांति ज्ञान निकेतन विद्यालय की ओर से देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं. अब मैं कार्यक्रम का अगला भाग आपके सामने रखता हूं. सर्वप्रथम मंच उपस्थिति रहेगी विद्यालय प्रबंधक श्रीमान राजकुमार खुराना जी की. तदुपरांत मंच पर उपस्थित होंगे कक्षा छठी अ से हर्ष बंसल, जो अपने वाद्य यंत्र के माध्यम से एक देशभक्ति गीत हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे. और उसके बाद मंच पर बुलाना चाहूँगा माध्यमिक विभाग प्रभारी महोदया श्रीमती अनुभा त्रिवेदी जी को. तो चलिए चलते हैं इन प्रस्तुतियों की ओर. Dear students, dear teachers, dear parents, मैं आपको भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर, भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर और शांति ज्ञान निकेतन स्कूल के 33वें स्थापना दिवस फाउंडेशन डे पर आप सबको मैं दिल की गहराइयों से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ. डियर चिल्ड्रन, पिछले 1.5 साल से आप एक बहुत ही मुश्किल का समय देख रहे हैं और पिछले लगभग 1.5 साल से आप अपने घरों में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं. मुझे खुशी है कि हमारे टीचर्स बहुत ही लगन से, मेहनत से आपको ऑनलाइन क्लासेस में केवल पढ़ाई ना करवा के और भी एक्टिविटीज़ आपको साथ साथ में करवा रहे हैं. इस स्कूल का एक ही ऑब्जेक्टिव है, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट. और उसके लिए हमारे टीचर्स, मुझे मालूम है कि खूब मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं. आपके पेरेंट्स भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में. मैं समझता हूँ कि बिना पेरेंट्स के ये पॉसिबल नहीं होता कि हम ऑनलाइन क्लासेस को सक्सेसफुल चला पाते. जो मुश्किल आपको आ रही है, थोड़े दिन की बात है, वो मुश्किल भी ख़त्म हो जाएगी. प्यारे बच्चों, 10वीं का और 12वीं का, क्लास 10th और 12th का जो रिजल्ट्स इस साल आए हैं, वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं. इतनी मुश्किलों के बावजूद भी आप लोगों ने जो मेहनत करके दिखाई है, जो आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है. मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको हमेशा सद्बुद्धि दे और आपको मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करना है कि आपको सद्बुद्धि दें. आप
देश का नाम रोशन कर सकें, अपने मदर फादर का, अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकें आने वाले दिनों में, ये मेरी शुभकामना आपके साथ है। प्यारे बच्चों, मैंने इस बार क्लास 10वीं और 12th के रिजल्ट्स के लिए भी एक स्कॉलरशिप अनाउंस की है और वो स्कॉलरशिप आपको आपके टीचर्स बता देंगे। जो बच्चे 12th के अंदर 96% और उससे ऊपर लेकर आएंगे उनके लिए कैश अवार्ड्स हम लोग आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन आपको शील्ड के साथ साथ, मेडल के साथ साथ, ट्रॉफी के साथ साथ हम आपको कैश अवार्ड भी देंगे। और साथ साथ में क्लास 10th के बच्चे जो 11th में शांति ज्ञान निकेतन ज्वाइन करेंगे उनके लिए, जैसे कि हर साल होता है, ट्यूशन फीस में एक अच्छा डिस्काउंट आप बच्चों को दिया जाएगा। आप यूं ही आगे बढ़ते रहो, ये मेरी शुभकामना है। और मैं इस मौके पे जिन प्लेयर्स ने ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ और स्पेशली नीरज चोपड़ा जी को जिन्होंने गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो में लिया, मैं उनको भी हार्दिक बधाई देता हूँ पूरे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से और आपकी तरफ से। बच्चों, बहुत ही कम समय में हम देखेंगे कि हमारे ही स्कूल के स्टूडेंट्स कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियाड गेम हो या ओलंपिक गेम्स हो, उसके अंदर भी गोल्ड मेडल्स लेकर भारत का नाम रोशन करेंगे और भारत का तिरंगा पूरे विश्व में लहराएंगे। ऐसी मेरी आशा है और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सब बच्चों के लिए। एक बार मैं बोलूँगा, आप यदि बोल सकें तो आप भी बोलिए, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत आपका सबका, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। My name is Harsh Basnal and I read in class 6th A. And today I am going to play Sandesha Aate Hain song for Independence Day on Casio. So let's start. Congratulate everyone present here on this 75th Independence Day and 33rd Foundation Day of our school. Celebrating Independence Day as well as Foundation Day with all these superlative performances
presented by our talented Niketians. We soak in glory as we see the rise and growth of Shanti Gyan Niketan, which has filled our hearts with pride and patriotism. Patriotism means to take the country on the right track, and we are definitely doing it here at SGN. SGN believes in pursuit of excellence by scaling new heights. The motto of the school is arise, awake, and stop not till the goal is achieved. So we should strive to do better and expand our capacity to the fullest. Even during this time of global pandemic, our school has been active academically, along with all sorts of co-curricular activities and competitions, which are conducted virtually, keeping the students busy and productive in fruitful learning activities like art and craft, music or dance, yoga, computer science, Hindi, English, and Sanskrit activities. As moral values play an important role in the life of each individual, due emphasis is laid on moral values. I would like to extend my heartfelt gratitude towards the parents for their unconditional support throughout. I would like to thank our students also for their zeal and zest to make the program a success. The teachers involved need to be applauded for their wonderful coordination with both students and parents to make this happen. I would like to welcome all the honorable members of the management, Mr. Surendra Khurana, chairman of the school, Mr. Ashwini Khurana, secretary of the school, Mr. Raj Kumar Khurana, founding managing director of the school, Mrs. Anju Bala, the principal, and Mr. Akash Khurana, the administrator of the school. I am also extremely grateful to the management for their progressive vision, constant support and encouragement, which enlivens both the staff and the students to give in their best. A very happy Independence Day and Foundation Day once again. Jai Hind, Jai Bharat. Honorable Incharge Ma'am, respected teachers and all my dear friends, today I, Aditi Yadav, along with Navrita Singh of 8D and Akshara Sharma of 8E, is here to host today's celebration. Arise, awake, and stop not till the goal is achieved. With this motto, let us begin our celebration. Today, on 15th of August, it's heartwarming to remember this remarkable day 32 years back. That is August 15, 1989, when India was celebrating its 42nd Independence Day, the same day when the celebrations were going in full swing all over India, the sapling called Shanti Gyan Niketan was also being planted by the auspicious hands of Professor Munis Raza, the then Vice Chancellor of Delhi University. It certainly doubles our enjoyment and zeal as today we are here to celebrate both these important events together. Let us begin this celebration now. Our first participant is Khushi of 8E, who is here to present her encouraging speech on 15th August. Followed by this will be a poem, The Wonderful Dream of Bauji, based on the inception of our dear school Shanti Gyan Niketan. We dedicate the poem to our very respectable Shri Gyan Chand Khurana ji, fondly known to us as Bauji, and is to be recited by Lavanya of 7th A. Good morning, respected teachers and my dear friends. My name is Khushi from class 8E. Wish you all a very happy Independence Day. Today I am going to give a speech on Independence Day. On 15 August 1947, India gained independence after a series of movements in which many freedom fighters sacrificed their lives. So, this day marks as a celebration of freedom from the British Empire, who ruled our country for about 200 years. Hence, to commemorate our historic freedom, we celebrate this day with full passion and energy all around the world. Independence Day is a national festival and is also a public holiday. On this day, flag hoisting ceremonies, chhankis with dance, singing and dancing activities,
parade by armed forces and school children, etc. are going on all around the country. But the main celebration is held at the national capital, New Delhi, at the Red Fort before social and political dignitaries of India. Prime Minister unfurls the national flag and addresses the nation with the speech. National anthem is also sung after the Prime Minister hoists the national flag and a salute is given by firing 21 guns. So, this day marks as a celebration of freedom and a proud on our freedom fighters and a very special occasion to every citizen of India. Thank you. Happy Foundation Day. I am Lavanya Singh of Class 7th is going to recite the poem The Wonderful Dream of Bauji composed by our teacher Mrs. Shobha Agrawal. On this wonderful day of foundation, not one but all of us wonder how this beautiful dream of Bauji has come true and is worth a million praise. On this Founders Day in August, there is much of geese amongst us. Let us all gear up to work hard so that he is pleased and gave all of us a blissful reward. This institution of his dream shines brightly today with accomplishment gleam, which powers and powers and showers on us blessings having beautiful flowers. May he and God Almighty raise us above with ignorance, poverty and enlighten our ways in all aspects and tells us the success greatest secrets. Thank you and have a nice day. मैं नम्रता सिंह कक्षा 8वीं ड से आप दोनों का इन प्रस्तुतियों पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। निश्चय ही आपने अपनी कविता तथा भाषण से इस मंच को, इस आजादी समारोह को स्वतंत्रता रूपी खुशबू से महका दिया है। अब हम चलते हैं एक हिंदी कविता तथा देशभक्ति गीत की ओर जो अपने अंदर भारतीय परतंत्रता एवं स्वतंत्रता की सारी गाथाएं संजोए बैठे हैं। यह कविता तथा यह गीत हमें बताएंगे कि 1947 में किस तरह हर भारतीय ने देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, कैसे उन्होंने अपनी आहुति दी थी। अब उस गीत का मंचन करने हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कक्षा 7वीं ड से महक कौशल को तथा कविता के वाचन हेतु बुलाना चाहूँगी कक्षा 6ठी ब से कनक को। तो प्रस्तुत है ये प्रस्तुतियाँ। जय हिंद। I am Maya Kaushal from 7D. On the occasion of Independence Day, let's pay a tribute to our brave soldiers through this library. Salaam un shaheedon ko jo kho gaye, watan ko jaga kar jo khud so gaye. Salaam un shaheedon ko jo kho gaye, watan ko jaga kar खुद सो गई। वो थी लाडली अपनी माँओं के पाली, मगर हो गई गोलियों के हवाले। वो थी लाडली अपनी माँओं के पाली, मगर हो गई गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए राखबाजी लगा दी। हमारे खिलाफ देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए।
And as a country, culture is an important part of our upbringing and who we are today. We Indians have a long and illustrious history of dance and music like Bharatanatyam, Kuchipudi, Odissi and many more. We should consider ourselves most fortunate because we can able to showcase our Indian culture and Indian glory through these events. On top of what, children are performing dance performances that express Indian art forms. Now brace yourself for dance performances by Tanishtha Roy of 6th B, Soumya Mishra of 6th B, Khushi Singh of 8th E and Anvi Rawat of 6th C. Let's welcome them all. तिरंगा
ये देश है वीर ज
जवानों का बेलों का मस्तानों का इस देश को यारों इस देश को यारों क्या कहना ये देश है दुनिया का गहना मेरा जूता है जापानी हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी हर कर्म अपना करेंगे ऐ वतन तेरे आजा जिंदी शानिया के तले आजा जरी वाले नीले आसमान के तले समझो दिल भर जानी जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 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 मेरा रंग दे का आपने अपने नृत्य में विभिन्न विधाओं के प्रयोग से इस उत्सव को और भी यादगार बना दिया है। अब आपके सामने उपस्थित होगा कक्षा सातवीं का छात्र समूह जो भारतीय कवियों तथा देशभक्तों द्वारा लिखे जय घोषों को अपने अपने अंदाज में प्रस्तुत करेगा। लेकिन उससे पहले एक देशभक्ति कविता के साथ पहली बार मंच पर उपस्थित होंगी कक्षा आठवीं अ से अनन्या राजपूत। तो आइए आनंद लेते हैं इन प्रस्तुतियों का। सुप्रभात आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं नन्या राजपूत कक्षा आठवीं अ से आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है आज़ादी। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से।
आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से इसकी कीमत चुकाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से इसकी कीमत चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए थे और छल से हम पर राज किया, व्यापारी बनकर आए थे और छल से हम पर राज किया, आपस में हमें लड़ाने की नीति उन्होंने बनाई थी, आपस में हमें लड़ाने की नीति उन्होंने बनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा है देश है, गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा है देश है, जियो और जीने दो सबको यही संदेश है, जियो और जीने दो सबको यही संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, लगी गूंजने दसों दिशाएं वीरों के यशगान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। धन्यवाद। जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार ने, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार ने, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। कहीं पर शंख कहीं पर आजान है, गूंजे कहीं पर शंख कहीं पर आजान है, बाइबल है ग्रंथ साहिब है गीता ज्ञान है, बाइबल है ग्रंथ साहिब है गीता ज्ञान है। दुनिया में ये और मंजिल नसीब नहीं, दुनिया में ये और मंजिल नसीब नहीं, दिखा दो दुनिया को कि ये हिंदुस्तान है, दिखा दो दुनिया को कि ये हिंदुस्तान है। वो दीवाने वो मस्ताने आज़ादी के मत वाले, अगर एक शब्द में कहना हो तो वो हैं सच्चे हिम्मत वाले, अगर एक शब्द में कहना हो तो वो हैं सच्चे हिम्मत वाले। उन वीरों के बलिदानों को, उन वीरों के बलिदानों को व्यर्थ ना जाने देंगे, कसम खाते हैं भारत माँ पर आज ना आने देंगे, कसम खाते हैं भारत माँ पर आज ना आने देंगे। अपने वतन को कभी बदनाम ना होने देंगे, अपने वतन को कभी बदनाम ना होने देंगे, देश के खिलाफ एक भी काम ना होने देंगे, देश के खिलाफ एक भी काम ना होने देंगे। जब तक बची है शरीर में जान, जब तक बची है शरीर में जान, देश को फिर से गुलाम ना होने देंगे, देश को फिर से गुलाम ना होने देंगे। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर भी हिफाजत की हमने, लहू देकर भी हिफाजत की हमने, उस तिरंगे को सदा दिल से लगाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल से लगाए रखना। ना जियो धर्म के नाम पर ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धन वतन का, इंसानियत ही है धन वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, हम उस वतन की पतंगे हैं, हम उस वतन की पतंगे हैं, जो धागों से नहीं हौसलों से उड़ा करती हैं, धागों से नहीं हौसलों से उड़ा करती है। ये वक्त बहुत ही नाजुक है, ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हो रहे हमले हैं, हम पर हो रहे हमले हैं, दुश्मन का दर्द यही तो है, दुश्मन का दर्द यही तो है,
हम हर हमले में संभले हैं, हम हर हमले में संभले हैं। देश की शान देश की, आन देश की शान देश की, हम देश की संतान हैं, हम देश की संतान हैं। तीन रंगों में रंगा तिरंगा, तीन रंगों में रंगा तिरंगा, यही हमारी पहचान है, यही हमारी पहचान है। तेरा मेरा साथ यही तक था, ये तेरी
जमीन तेरे खून से ही तो सजती सवरती है राज, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सहे महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। है मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हाय तेरी दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की।